हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। 6 पार्ट है, जो पहले लिखा हुआ वो सम ऑफ जीरोस है और जो बाद में लिखा हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट अगर हम लें तो यहां पे है हमारे पास गिवन सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास गिवन है 1/4। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास गिवन है -1। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, हमें क्या करना है, पॉलीनोमियल फाइंड करना है। सो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल इज क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस के लिए एस एस एक्स और प्रोडक्ट के लिए पी। तो ये हम लिख सकते हैं। अब वैल्यू करते हैं आप इसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस पी की वैल्यू है -1। तो आप यहां पे ब्रैकेट में -1 लिख ले पहले, तो यह तो -1, तो यहां पे एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स -1 है, सीधा ही यहां पे -1 लिख दे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और अब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, यहां 4 कैंसिल हो जाएगा एक्स और ये -4। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, और ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल इजी। आपके पास 6 के 6 पार्ट में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, उसके लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट 2 की, अब देखो ये पार्ट तो हमारा हर एक क्वेश्चन में सेम रहना है, बस यही चेंज होगा। अगर हम 2nd पार्ट की बात करें, यहां पे अगर हम 2nd पार्ट की बात करें, अब की बार सम ऑफ जीरोस है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। तो एस और पी की वैल्यू मिल गई हमें, बाकी सारा यही रह जाएगा। यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है √2 एक्स प्लस पी की वैल्यू है 1/3। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाएगा। आप चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और +1। तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, ये भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास पार्ट 2। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में हमारे पास है सम ऑफ जीरोस है 0 और जो प्रोडक्ट है वो है √5। तो यहां पे एस और पी की वैल्यू मिलकर इसके अंदर रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 0x 0 × x प्लस पी की वैल्यू है √5। तो ये एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा प्लस √5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 3। ठीक इसी तरह से अगर हम पार्ट 4 की बात करें, यहां पे अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में हमारे पास है 1 और 1, एस भी 1 और पी भी 1। तो यहां पे रख देंगे
एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्ट फोर। तो बिल्कुल इजी पार्ट से, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट फाइव की, तो पार्ट फाइव में हमारे पास है, पार्ट फाइव में सम है माइनस वन बाय फोर और प्रोडक्ट है वन बाय फोर। तो यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, एस की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर एक्स प्लस पी की वैल्यू है वन बाय फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय फोर एक्स प्लस वन बाय फोर। अब इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। मीन्स हम एलसीएम है, जैसे फर्स्ट में सेकंड में और फिफ्थ पार्ट में जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे भी हमें आंसर मिल जाता है। आपकी बुक में जो आंसर दिए हुए एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद वाले दिए हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट सिक्स की, तो कुछ भी नहीं बात नहीं है पार्ट सिक्स में भी हमारे पास। तो पार्ट सिक्स में है हमारे पास, यहाँ पे सम है हमारे पास फोर और प्रोडक्ट है वन, तो यहां पे लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू फोर है तो फोर एक्स और प्लस वन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दी हुई है। हम इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका एक सिचुएशन ये भी बनती है कि आपके पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां पे हम इसको हटा देते हैं, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर, हूज जीरोज आर फोर एंड माइनस टू। ये है हमारे पास, हम इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड डाल देते हैं। वैसे तो हमारे टू ही क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से हम इसको कर लेते हैं। तो यहां पे अब की बार क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोज आर, ये जीरोज गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, जीरोज गिवन है। अब आपके पास अगर जीरोज गिवन है और ये जो फॉर्मूला है वो तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पे एक बार हम इसको सारे को हटा के इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन है, अगर इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहां पे गिवन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर फोर एंड माइनस टू, ये जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम एस से लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो जीरोज है, तो फोर प्लस माइनस टू मीन्स फोर माइनस टू, ये हमारे पास टू आ जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एट। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है हमारे पास 2, तो ये 2x प्लस पी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे, आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। उसमें फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है उसको सम मान लेते हैं और इसको प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं और इसको पी मान लेते हैं, और फॉर्मूला बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और पी की जगह पे आ जाएगा माइनस 2। तो ये वो आंसर बना लेते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये तो जीरोज है, एस और पी तो अभी हमें निकालना है, इनको प्लस करके और इनकी मल्टीप्लाई करके, ये आपको ध्यान रखना है, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाती है, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।